ओ माय गॉड, निखार देखा क्या हाथों पे? यही निखार आपके स्किन पे आने वाली है और स्किन के लिए ही ये है। ये मैं DIY फेसियल आज एक लेकर आई हूँ जो कि आप लोग देख लीजिए। उससे पहले इसको देख लेते हैं कि प्रिपेयर कैसे करना, उस निखार के लिए हम ये रेमेडी को कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमने कॉफ़ी ले लिया है, एक साफ कटोरी ले लेना है आपको, बॉल जिसे करते हो आप लोग, मतलब कोई भी बॉल ही कहता है उसको, तो एक कटोरी ले लेनी है और उसमें हमने कॉफ़ी डाल लिया एक चम्मच, आधे चम्मच के करीब कॉफ़ी था क्योंकि हमने चम्मच के डंटी वाले हिस्से से, पीछे वाले हिस्से से लिया और तो इसलिए मुझको अंदाज़ा उतना नहीं मिला। और यहाँ पे एक चम्मच हम पीसी हुई चीनी लेंगे, थोड़ी दरदरी क्योंकि घर में ही मैंने पीसा था तो चीनी थोड़ी दरदरी। यहाँ पर हमने आधे का आधा लेमन लिया, मतलब एक लेमन का चार टुकड़ा करके जो एक टुकड़ा होता है उसका जूस ले लेना है। तो सबसे पहले हमने एक से थोड़ा सा कम चम्मच हमने कॉफ़ी का लिया, उसके बाद हमने एक चम्मच चीनी का पिसा हुआ चीनी लिया, उसके बाद मतलब लेमन का एक चौथाई हिस्सा का जूस हमने लिया इसमें। और उसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे क्योंकि हमारी स्किन ड्राई ना हो जाए क्योंकि सर्दियां चल रही हैं, तो उसके बाद हम डालेंगे, हमारी स्किन ड्राई ना हो इसके लिए हम आधे चम्मच यहाँ पे नारियल का तेल डालेंगे। और आप चाहो तो नारियल के तेल को मतलब कि थोड़ा सा वो भी कर लो, वार्म भी कर लो, उसको थोड़ा सा गर्म कर दो, पर क्योंकि हाथों पे ही यूज करना है इसलिए मैंने गर्म नहीं किया। और जब हम अपने हाथों की मालिश करेंगे तो ये तेल ऐसे भी पिघल ही जानी है। तो यहाँ पर चारों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो आप भी स्टेप बाय स्टेप ये फेशियल कीजिए। और शादी पार्टी बर्थडे जो किसी भी पार्टी के लिए आप ना सिर्फ 5 मिनट में आप ऐसे चुटकियों में रेडी हो जाओगे, बिल्कुल स्किन एकदम गोरी। आपने तो देखा ही शुरू में, वीडियो के शुरू में मैंने दिखाया इसको यूज करने के बाद कौन सा ये देता है हमारे स्किन पे ग्लो, बिल्कुल स्किन को ये ब्राइट करेगा एंड बहुत ही खूबसूरत दिखेगी आपकी स्किन। तो देख लीजिए सभी चारों चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया, मिश्रण तैयार कर लिया और उससे अपने हाथों की मसाज करनी है। और हाथों की मसाज मैं बिल्कुल आराम से इसलिए दिखा रही हूँ, जल्दी जल्दी नहीं दिखा रहे क्योंकि इसमें चीनी है, तो आप जल्दीबाजी में ये करोगे ना, ये एक तरह से ना वो है स्क्रब कर रहे हो आप, तो आप जल्दीबाजी में करोगे तो क्या होगा कि आपकी स्किन छिल सकती है। और ये हाथ है तो यहाँ पे भी, हाथों पे भी मैं बिल्कुल आराम से करके दिखा रही हूँ आपको, वो मैंने वीडियो थोड़ा सा तेज कर दिया है इसलिए आपको दिखेगा कहीं कहीं क्योंकि जल्दी जल्दी मैं करूँ, पर ऐसी बात नहीं है, मैं बिल्कुल आराम से करी थी। और आप भी जब करोगे ना तो बिल्कुल आराम से करो, कोई जल्दीबाजी में ये वाला नहीं करना है आपको स्क्रब, तो अच्छे से धीरे से मतलब लीजिए, थोड़ा थोड़ा लेते जाइए, एक बार में सारा थोप नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा जो भी कटोरी में हमने बना कर रखा थोड़ा थोड़ा लेंगे। और मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि 5 मिनट तक हमें इसका मसाज करना है अपने स्किन पे, बिल्कुल जेंटली मसाज करना, तो थोड़ा थोड़ा हम इसको लेते जाएँगे मिश्रण को और हाथों की मसाज करते जाएँगे अच्छे से। और ये ना इसमें है कॉफ़ी जो कि स्किन को बिल्कुल ब्राइट करती है, टाइट करती है, और इसमें लेमन जो कि वो भी ब्राइट करती है हमारी स्किन को। और चीनी हमने डाला तो उससे चीनी के पीसी हुई चीनी से क्या होगी कि हमारे हाथों की जो मतलब हाथ पे यूज कर रही हूँ तो हाथों की बोल रही हूँ, स्किन की जो डेड स्किन है ना उसको ये चीनी का बुरादा निकाल देगा बाहर। और जब हमारी डेड स्किन बाहर निकल जाएगी तो अंदर का जो ग्लोइंग स्किन है वो ही दिखेगा, जो कि आप वीडियो में आगे देखोगे। और वीडियो के शुरू करते ही मैंने हाइलाइट्स लगाए हैं कि ये मसाज के बाद इसने क्या परिणाम दिया है मसाज का, वो मैंने 2-4 सेकेंड का हाइलाइट्स लगाया, वो तो आपने देख लिया। और हमें अपने उंगलियों की ये पोर की सभी के अच्छे से आराम से धीरे धीरे मालिश करते जाना है क्योंकि खुद के लिए भी थोड़ा सा टाइम हमें निकालना चाहिए, क्योंकि लोग सोचते रहते हैं अपना टाइम आएगा। गाइस लोग, अपना टाइम कभी नहीं आएगा, खुद से अपना टाइम खुद से आप निकाल लो, ओके। कभी अपना टाइम आता नहीं है, अपना टाइम लाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो अगर आपको भी अपने स्किन की हालत सुधारनी है, किसी भी पार्टी सार्टी में जानी है, खुद की तारीफ करवानी है, चेहरे पे एक प्यारी सी ग्लो लेकर आनी है, तो मतलब कि खुद से ही कुछ करना होगा। और हमारे किचन में ही ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, बस कॉफ़ी हर घर में नहीं हो पाती। मैं बोलती हूँ कि जो जो पीते हैं कॉफ़ी वो रखते हैं या फिर नहीं रखते हैं, तो कोई बात नहीं,
5-10 रुपए में हमारे घर गांव में भी जो किराना स्टोर होता है ना, जहाँ पे दाल चावल सब्जियाँ चीनी चाय पत्ती ये सारी चीज़ें मिलती है, मसाले वहाँ पे भी टंगी हुई होती है, 5-5, 10-10 की कॉफ़ी मिल जाती है। तो आप एक 5-10 का पाउच मंगा लो, थोड़ा सा ये लगाने में यूज कर लो, थोड़ा सा जो बच जाए उसको दूध में घोल कर पी लो, कॉफ़ी पी लो। ओके, तो ये कॉफ़ी में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल वो होता है, क्या कहते हैं, बेनिफिशियल तत्व बहुत ज़्यादा होते हैं। और देख लीजिए आप कि जब इसको मालिश करने के बाद मैं पोंछ रही हूँ तो देख लीजिए क्या इसने ग्लो दिया है। तो मैं बेनिफिशियल बताने जा रही थी, उतना बताने का क्या मैं बताऊँ आपको, बस इतना पता है कि कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है हमारी स्किन के लिए, हमारे डेड सेल्स को ख़त्म करके वो ग्लोइंग स्किन को बाहर निकालती है। और इसमें तो कॉफ़ी है ही भरपूर मात्रा में, और नारियल तेल हमारी स्किन को ड्राई नहीं होने देती, और हमारी स्किन ना देख लीजिए कितना ग्लो कर रहा। और मैं अब धो कर आती हूँ और आपको दिखाती हूँ, तो मैं धो कर भी दिखा देती हूँ। तो देख लीजिए मैंने धो लिया, और स्किन, फेस के स्किन, हाथों के स्किन, पैरों के स्किन, आपको जहाँ पे भी ग्लो लाना है, जहाँ पे भी अपने स्किन को चमकाना है, बेझिझक आप इसको यूज कर सकते हो, बस लेमन का। और हाँ, यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए। और मैं ये बता दे रही हूँ कि सिर्फ लेमन के लिए आपको ये देखना है कि लेमन अगर आपको सूट नहीं करता है तो आप लेमन का यूज नहीं कीजिए, बाकी चीनी, नारियल तेल ये सारी चीज़ें आप आँखें बंद करके कॉफ़ी यूज कर सकते हो। तो थैंक यू, सी यू, बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब।